राज्य के शिंदे सरकार के खिलाफ और जन समर्थन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समाज पक्ष की ओर से शनिवार को रैली निकाली गई। चर्च गेट से दहिसर तक के लिए निकाली गई इस रैली को जोरदार समर्थन मिला। रैली के दौरान पार्टी अध्यक्ष महादेव जानकर ने शिवाजी पार्क में जाकर के अपने पदाधिकारियों के साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल पर जाकर माथा टेका और उनसे आशीर्वाद लेकर रैली की शुरुआत की। माना जा रहा है कि महादेव जानकर जल्द ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर महादेव जानकर ने कहा कि उनके नेतृत्व में हुई इस रैली को असफल बनाने का प्रयास सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय समाज पार्टी चर्च गेट से दहिसर तक अलग अलग ठिकानों से होते हुए रैली निकाली थी। लगभग 400 वाहनों का काफिला इस रैली में शामिल था। नहीं, मैं खुद का दल बनाने के लिए कहा, मैं किसी का दल का चमचा बन के नहीं घूम रहा हूँ। मैंने खुद का रास्ता बनाया, जैसा मुलायम सिंह यादव रहेगा, काशीराम रहेगा, लालू रहेगा, ये लोगों को मैं गौर करता हूँ। कोई किसी के भी साथ तो अलायंस करते रहते हैं, लेकिन खुद के पैरों पर चलते हैं। इसीलिए अखिलेश तेजस्वी राजा बन गए हैं। हम वही सोचना चाहते हैं महाराष्ट्र में कि कांग्रेस बीजेपी एनसीपी शिवसेना से अलग रह के तुम तुम्हारा दल बनाओ, तुम्हारी झोपड़ी आगे करो, और झोपड़ी का महल एक दिन बन जाएगा। महल वाले तो गिर रहे हैं अभी, आपके सामने तो देख रहे हैं। जो महल गिर जाएगा तो वो लोग मेरे पास ही आएगा और मेरी झोपड़ी है वो महल बन जाएगा। यही हमारी मसद चल रही है। और अब सब लोगों, वी आर बिलोंग्स टू ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी को जितना हक मिलना चाहिए था इस देश में नहीं मिला है। एक भी अखबार का मालिक ओबीसी का नहीं, एक भी टीवी चैनल का मालिक ओबीसी नहीं, एक भी मुसलमान भी नहीं। उस तुम्हारी भी हालत खराब है, मुसलमान की हालत अच्छी नहीं है। सब बात देश के करते हैं, सब समाजवाद बोलते हैं, सब हिंदूवाद बोलते हैं, सब मार्क्सवाद बोलते हैं, लेकिन हमारे समाज को भागीदारी इस हिसाब से नहीं मिल रही। कितने ब्यूरोक्रेट्स में हमारे लोग हैं इस देश में। 57% ओबीसी होते हुए हमारे 2% निकल आईएएस ऑफिसर नहीं है, आईपीएस नहीं है, एडिटर नहीं है, चैनल नहीं है, गवर्नर नहीं है। यही हालत मुसलमानों की है। मुसलमान कोई नहीं, हिंदू और मुसलमान झगड़ा लगा के झगड़ा देता है, वही लोगों को कुछ नहीं मिला। हिंदू मुसलमान के बेटे तो ज़्यादा गैरेज चलाते हैं, ज़्यादा तो बेकरी चलाते हैं, जो अनपढ़ का बिजनेस है वही लोग करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वो लोगों को मान सम्मान कभी मिलेगा? उसको भी मिलना चाहिए ना। इस हिसाब से हम सब समाज को लेकर आगे जा रहे हैं, किसी की जात और धर्म की बात नहीं है। इस देश में सब समाज समान है तो देश महान है, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम हिंदू मुसलमान और इसी झगड़े में नहीं घुटना चाहिए। धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करने वाले राजनेता करना चाहते, हमें धर्म की राजनीति नहीं मंजूर नहीं है। हम इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है सब समाज के लिए लिखा है, उस संविधान का इम्प्लीमेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। और हर लोग को हम जागृत करना चाहते हैं, लोगों को पैद जाना चाहते हैं। मैं खाली बम्बई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ की सब जगह गांधीनगर की बात करना चाहता हूँ। तो सब इंडिया के लोगों को हम जागरूक करने के लिए 543 पार्लियामेंट्री सीटें वहाँ हम जाएंगे। हमें जीता हुआ हमारा पार्टी कहाँ है? महाराष्ट्र हम जीते हैं, गुजरात हम जीते हैं, उड़ीसा हम जीते हैं, कर्नाटक हम जीते हैं, और मैं लगन लग रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जा रहा। उत्तर प्रदेश की जनता ही मेरे ऊपर प्यार कर रही है। मैं अगली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक महाराष्ट्र बन जाऊंगा और दूसरी सीट मेरी रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 100% में जीत जाऊंगा, ये मुझे भरोसा है। इसीलिए मैं ये रैली की तैयारी कर रहा हूं। अभी महाराष्ट्र में कर्नाटक बेंगलोर में भी रैली होगी, गुजरात गांधीनगर हो रही है, और मैं वाराणसी मिर्ज़ापुर जौनपुर के सटा हुआ प्रदेश है वहाँ भी मैं रैली करने की कोशिश कर रहा हूँ, कानपुर देहात में भी जा रहा हूँ। और इतना ही नहीं, तो हमारे स्वर्गीय नेता थे मुलायम सिंह यादव, उसके इटावा में हम रैली करना चाहते हैं। दोस्ती तो कम से कम बढ़ जाएगी, वही भी रैली में करना चाहता हूँ। शामिल होने की चर्चा थी एनडीए में, एनडीए अभी तो एनडीए में हम शामिल, हमें बुलाया नहीं था, अपने पत्रकारों को मालूम है, तो हमें उसने बुलाया नहीं, तो हम भीख मांगने के उसके पास क्यों जाएंगे? ना एनडीए ना इंडिया, हमने तो किसी के पास अभी तो कॉन्टैक्ट नहीं किया। हमारा भरोसा है खुद के पैरों पर दिल्ली जाना, तो हमारी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। आज तक हम एनडीए में थे, लेकिन अभी एनडीए ने हमें बुलावा नहीं दिया, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे कि हमें बुलाओ, कोई ज़रूरत नहीं। हम खुद के पैरों से आगे जाएंगे जब मेरी पार्टी बढ़ेंगी। अभी इंडिया का भी हमें कोई दावत नहीं दिया, बुलाया नहीं है, और एनडीए भी नहीं, तो दोनों भी नहीं। इसीलिए हम ये घूम रहे हैं। खाली बम्बई में नहीं अटैक किया, हमने स्टार्ट किया है पंडरपुर से, पंडर विट्ठल को साक्षी मान के वहाँ से स्टार्ट करके पुना सतारा सांगली सोलापुर नगर करके आज बॉम्बे में 6 पार्लियामेंट्री सीटें हैं वह सब लेकर 2 दिन हम घूम रहे हैं।
दो दिन के बाद हमारा एंड यशवंतराव चव्हाण मंत्रालय के सामने है, वह हमारा एंड होगा और वहाँ से हर उसके बाद हम परवनी में ले रहे, मराठवाड़ा में जा रहे हैं, परवनी के बाद हम सांगली में जा रहे हैं, सांगली के बाद हम नासिक जा रहे हैं, नासिक के बाद नागपुर जा रहे हैं, नागपुर के बाद अमरावती है और अमरावती के बाद मिर्ज़ापुर जा रहा हूँ मैं, मिर्ज़ापुर के बाद देहात कानपुर जा रहा हूँ, बाद में बेंगलोर में मंडिया हसन जो पार्लियामेंट्री सीट है, देवेगौड़ा जो वहाँ जीते थे वहाँ हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी सीटें हम पकड़ के, अखिलेश यादव है मुलायम है डिम्पल यादव है, वही एरिया में हम जा रहे हैं जो बड़े लोग हैं, कभी कभी उसको तकलीफ देना हमारा मकसद नहीं, हम भी वहाँ जाके हमारा भी वीर होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोस्ती भी हम सिकल हो सकती है आगे पीछे, यही हमारा मकसद है और इंडिया के हर कोने में हम जाना चाहते हैं। 30 साल में घर नहीं गया, शादी नहीं किया, खुद का परिवार नहीं बनाया, देश का परिवार ही मेरा परिवार समझ के मैं घूम रहा हूँ। आज हमारे यादव जी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, उसने खाना भी दिया है और ये अच्छे से जोर जोर से काम कर रहे हैं, यादव जी खान साहब है हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उसने खाना अच्छा दिया तो खाना खाने के बाद रात को भी हमें यूपी वाले ही खाना दे रहे हैं, आज का ही यूपी वाले का है, कल का भी यूपी वाले का ही खाना है, तो मुंबई की कमान राष्ट्रीय समाज पार्टी की उत्तर भारत के हाथ में देना मैं सोचता हूँ। अभी थोड़े दिन में हम प्रमोशन करके कोई ना कोई अच्छा यादव है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और मुंबई की कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? कॉर्पोरेशन हम लड़ाएंगे तो दिल लगा के लड़ाएंगे, इस बार हम अकाउंट खोलेंगे, मैं ज़्यादा पावर में हम नहीं आएंगे लेकिन अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट RSP खुल जाएगी, 5-10 भी सीटें हमारी जीत जाएगी ना, तो हम अच्छा माहौल पर और वो हम ताकत महाराष्ट्र के सब हमारे MLA है, हमारे जो कार्यकर्ता है वो बम्बई के ऊपर लगेंगे, उस वक्त हम जीत जाएंगे, एक बार हम कॉर्पोरेशन में एंट्री करेंगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एक मणिपुर के बारे में, इस देश का संविधान मानना चाहिए था, मणिपुर के लोगों के ऊपर जो अन्याय हुआ है तो प्रशासन का मैंने निषेध भी किया है मेरे पार्टी की तरफ से और मैं वो जनता के साथ हूँ, जो जनता के ऊपर इस देश की पार्लियामेंट, इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जल्द से जल्द अब कोई तो सोल्यूशन निकलना चाहिए और वो जनता को न्याय दिलाना चाहिए, ये मैं मणिपुर के लिए मैंने उस दिन उसकी श्रद्धांजलि पार्टी की तरफ से दे दिया और जो देश के प्रधानमंत्री ने उसके कड़े से कड़म लेके जो मजलूम लोग हैं उसको सजा होना चाहिए, हमने हमारा लेटर भी भेज दिया है, तो मणिपुर की जनता के साथ राष्ट्रीय समाज पार्टी है। 29 अगस्त को पूना में राष्ट्रीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन कम से कम 3 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपके माध्यम से सब जनता इंडिया के राष्ट्रीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐलान करना चाहता हूँ, 29 अगस्त को आपको पूना में भारी संख्या से आना है, आपके माध्यम से मैं सभी जनता को अपील कर रहा हूँ। थैंक यू। देखो हमारा राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी है, हम लोग अच्छे से काम करके उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 या 2 MP और 1 MLA पक्का लेके आएंगे और महाराष्ट्र में हमारे पास कम से कम 10 से 15 नगर सेवक आने वाले हैं सिस्टम। आज यहाँ पर जो जाएगी रैली और किस तरह समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है सर को? जन समर्थन हमको बहुत मिल रहा है हमारे रैली को, जन समाज पार्टी को, राष्ट्रीय समाज पक्ष की पार्टी जो हमारी चर्च गेट से शुरू हुआ है, हम चर्च गेट से शुरू किए, उसके बाद हम दादर गए, शिवाजी पार्क गए, वहाँ पे माहे मटुंगा, उसके बाद कलीना में हमारा यहाँ पे लास्ट पड़ाव हुआ है खाने का, उसके बाद अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, वकोला जाएंगे, उसके बाद अंधेरी से मलाड़ से दहीसर तक रहेगा, लास्ट हमारा पड़ाव रहेगा मलाड़ का, जहाँ पे हमारा एंडिंग होगा। किस तरह समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पब्लिक हमको बहुत सपोर्ट कर रही है हमारी पार्टी को और अच्छा से अच्छा सपोर्ट मिलते जाएगा। लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या है? समस्या क्या है लोगों की? अभी हमारे माननीय किस तरह से उग्र हो, हमारे माननीय जानकर साहब ने अभी कहा है कि ना तो मुस्लिम को अदरवाइज ना कि OBC को कुछ मिल रहा है, इस राजनीतिकरण में जो भी चल रहा है सब अनदेखी की जा रही है, इसीलिए माननीय जी लगे हैं, हम लोग इनके साथ में एकदम मजबूती से लगे हुए, जितने हमारे उत्तर भारतीय है वो एक मंच पे आके मजबूती से अपना पक्ष रखे और हमारे माननीय जानकर साहब के हाथों को मजबूत करें, यही हमारी कामना भी है, यही लोगों से अपील है कि आइए आप लोग और उतरते हैं इस मैदान में,
और दिखाते हैं कि हम भी हैं, हम घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लोग आश्वासन देते रहेंगे हमें, जैसे कि आज तक मिलता रहा है। लेकिन आज ज़मीन से जुड़े हुए हमारे माननीय जानकार साहब जिस तरीके से हम लोग को सम्मान दे रहे हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम मजबूती से जाएं लोगों के पास में और बताएं कि आप लोग आइए, अभी भटके हुए लोग अभी आइए आप इस मंच के ऊपर और अपनी बात को रखिए, आपको सम्मान मिलेगा, पार्टी मजबूत होगी, आप मजबूत होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।